हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 19 की शुरुआत में हम आंशांग को देखते हैं, जिसकी मुलाकात फियोना से होती है। और अब ये फियोना कौन है ये आप खुद ही देख लीजिए। जी हाँ, फियोना और कोई नहीं बल्कि हमारी शिशिन है, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है। और जिस हॉस्पिटल में हमारी आंशांग काम करती है, उस हॉस्पिटल के मालिक के बेटे की गर्लफ्रेंड भी है। वहीं दूसरी तरफ हम बेचारे शौयू को देखते हैं, जो कि मुझे चैन से मिलने जाने के लिए अपनी वाइफ मान नान से परमिशन ले रहा था। मतलब गाइस बताओ, शादी के बाद लड़कों की हालत ऐसी हो जाती है। जो बंदा आज तक मान नान को परेशान करता था, आज वही बंदा उससे परमिशन ले रहा है। वाह वाह। देन नेक्स्ट सीन में हम मुझे चैन को मान नान के घर में देखते हैं, क्योंकि हमारे मान नान ने शौयू को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। बट यहाँ पे हमारी मान नान मोजे चैन से थोड़ा रूडली बातें करती है, क्योंकि मोजे चैन बिना किसी को बताए चाइना छोड़कर अब्रॉड चला गया था। यहाँ तक कि उसने आंशांग को भी कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से आंशांग हमेशा सैड रहती थी। वेल, काफी देर तक अपने वाइफ की बक बक सुनने के बाद एट लास्ट शौयू उसे वहाँ से ले जाता है। एंड देन इसी बात को लेकर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि एक अपने फ्रेंड की तरफ था तो दूसरा अपने फ्रेंड की तरफ। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग को देखते हैं, जो कि मोजे चैन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। एंड काफी ज्यादा हिम्मत करने के बाद एट लास्ट वो मोजे चैन को कॉल कर ही देती है। बट कॉल पिक करने के बाद ना तो हमारी आंशांग कुछ बोलती है और ना ही हमारा मोजे चैन, यानी कि हमारा मिस्टर मजनू। बट अब दोनों कब तक नहीं बोलते, तो एट लास्ट आंशांग कहती है कि मोजे चैन मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम आंशांग एंड मोजे चैन को साथ में क्लास में बैठे हुए देखते हैं। आंशांग मोजे चैन से कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन 5 सालों के बाद भी मैं कभी तुम्हारे साथ इस सीट पर बैठ पाऊंगी। तो जिस पर हमारा मिस्टर मजनू कहता है कि मैंने भी। आंशांग मोजे चैन पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए उससे पूछती है कि आखिर क्यों तुम मुझे बिना कुछ बताए आज से 5 साल पहले चाइना छोड़कर अब्रॉड चले गए थे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था, बट मैं ये कह रही हूँ कि तुम मुझे बता के क्यों नहीं गए। जिसे सुनने के बाद मोजे चैन उसे सॉरी बोलता है। आंशांग कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी ज्यादा सैड थी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर तुम मुझे छोड़कर गए क्यों। तो जिस पर मुझे चैन उसे अगेन सॉरी बोलते हुए कहता है कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी, बट अब तो मैं आ गया हूँ ना। जिसे सुनकर आंशांग कहती है कि मुझे चैन आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम आ जाओ और जब तुम्हारा मन हो तब तुम वापस चले जाओ, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। आंशांग जब वहाँ से जा रही होती है तो हमारा मिस्टर मजनू उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। बट अब मैंने हमारी आंशांग को झांसी की रानी का नेम एवे थोड़ी दे दिया है, कुछ क्वालिटीज हैं झांसी की रानी वाली, तभी तो ये नेम दिया है। और वो क्वालिटीज क्या है आई थिंक ये तो आपने देख ही लिया होगा। देन नेक्स्ट सीन में हम मोजे चैन को आंशांग के घर के बाहर देखते हैं, जहां वो बाहर से ही चिल्ला चिल्ला कर आंशांग से अभी के लिए सॉरी बोल रहा था। बट तभी वहां पे यानमू आकर मोजे चैन को ऐसा करने से रोकता है। बट अब हमारा मिस्टर मजनू तो मिस्टर मजनू ही है, और जिसके बाद इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस एंड देन फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी आंशांग रूम से बाहर आकर उन दोनों को ऐसा करने से रोकती है एंड देन यानमू को लेकर वहां से जाने लगती है। मुझे चैन जब आंशांग को फॉलो करने की कोशिश करता है तो आंशांग उससे कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो तो प्लीज मेरा पीछा मत करना,
देन नेक्स्ट सीन में हम यान्मू को आंशांग की मासी के पास देखते हैं, जहां आंशांग की मासी यान्मू से कहती हैं कि अगर तुम आंशांग को लाइक करते हो तो प्लीज उसे बता दो। तो जिस पर यान्मू कहता है कि मुझे डर लगता है क्योंकि कहीं ये जानने के बाद कि मैं आंशांग को लाइक करता हूँ, हमारे बीच की एक अच्छी दोस्ती भी खत्म ना हो जाए। तो जिस पर आंशांग की मासी कहती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखोगे, और वैसे भी जब तक तुम आंशांग को बताओगे नहीं तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे पसंद करते हो। गाइस, मैंने कहा था ना कि आंशांग की मासी दोनों को सेट करने के चक्कर में है। आंशांग की मासी कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे हो, तो अगर तुम दोनों साथ होते हो तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। और हाँ, एक बात तुम हमेशा याद रखना कि मासी हमेशा तुम्हें ही सपोर्ट करेगी। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं, बट हमारी आंशांग डिनर नहीं बल्कि ड्रिंक कर रही होती है, वो भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि एट लास्ट यान्मू को उसे रोकना पड़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हम यान्मू को देखते हैं जो कि आंशांग को बैग में उठाकर बाहर लाता है और उसकी काफी ज्यादा केयर करता है, बट हमारी झांसी की रानी नशे की हालत में सिर्फ और सिर्फ मोजे चैन का नाम ले रही थी, जिसे सुनने के बाद यान्मू को थोड़ा सा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मजनू आंशांग के दिए हुए कप को देखते हुए आंशांग को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आंशांग की नींद खुलती है तो हमारा यान्मू यहाँ पे भी उसकी काफी ज्यादा केयर करता है, क्योंकि उसने कल रात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखी थी। वहीं दूसरी तरफ जब फियोना की हमारी शिशिन अपने ससुर जी से हॉस्पिटल मिलने जाती है तो वो उसे वहां से बाहर कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी शिशिन के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम यान्मू को देखते हैं जो कि आंशांग से मिलने जाता है। आंशांग जब देखती है कि यान्मू उसकी काफी ज्यादा केयर करता है तो वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे मॉम या फिर मासी जैसे हो, बिकॉज उन दोनों की तरह तुम भी हमेशा मेरी केयर करते रहते हो, और पता नहीं कि वो लकी गर्ल कौन होगी जो मेरी भाभी बनेगी। और फिर क्या था, इतना सुनते ही हमारा यान्मू अपने हैंड पर चोट लगवा बैठता है, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। आंशांग जब यान्मू के हैंड में मेडिसिन लगा रही होती है तो हमारे यान्मू का सारा ध्यान चोट पर नहीं बल्कि आंशांग पर था। एंड गाइस, फाइनली यहाँ पे हमारे सीधे साधे यान्मू भाई साहब थोड़ी बहुत हिम्मत करके एट लास्ट आंशांग को हक करते हुए बता ही देते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जिसे सुनने के बाद तो हमारी आंशांग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। यान्मू कहता है कि मुझे पता है कि आज तक हमेशा तुमने मुझे अपने भाई की तरह ट्रीट किया है, बट मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं किया। ओए होए यान्मू भाई, मतलब जब तक आप शांत थे तो बहुत ही ज्यादा शांत थे, और अब जब बोल रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, इन शॉर्ट आप तो छुपे रुस्तम निकले। यान्मू आंशांग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ना तो पहले ट्रीट किया था और ना ही अब करता हूँ, जिसे सुनकर आंशांग उसे सॉरी बोलती है। तो जिस पर यान्मू कहता है कि मुझे सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, करता हूँ और हमेशा करूँगा। जब तुम बीमार होगी तब मैं तुम्हें मेडिसिन ला कर दूंगा, और जब बारिश होगी तब अम्ब्रेला, और हाँ, दिन में एक बार मैं तुम्हें खाना खाने के लिए भी हमेशा याद दिलाऊंगा। एंड देन इतना कहने के बाद यान्मू आंशांग को उसकी मेडिसिन उठा कर देता है। यान्मू जब जा रहा होता है तो वो आंशांग से कहता है कि आंशांग, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ, तो क्या प्लीज तुम भी मुझे थोड़ा सा भी लाइक करने की कोशिश कर सकती हो। एंड देन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी फियोना की हमारी शिशिन जानबूझकर आंशांग के पेशेंट्स को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शिशिन को ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे झांसी की रानी की वजह से हो रहा है। ये सब जानने के बाद आंशांग भागते हुए शिशिन के पास जाती है एंड देन उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है। आंशांग कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक छोटे से बच्चे के साथ भी ऐसा कर सकती हो। शौयू जब सो रहा होता है तभी हमारा मोजे चैन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, जिसे सुनने के बाद हमारा शौयू वॉज लाइक, ओए पागल हो गया है क्या, टाइम देखा है तूने,
और अगर मैं अभी घर से बाहर निकला ना, तो कल मॉर्निंग में मेरी वाइफ मेरा क्या हाल करेगी? ये तो ड्रामा लवर्स के सब्सक्राइबर्स को भी नहीं पता। सो प्लीज अब तू भी सो जा, मुझे भी सोन दे, कल मिलते हैं। बट अब हमारे मिस्टर मजनू के सामने शौयू की कहाँ चलने वाली है, तो एट लास्ट बेचारे हमारे शौयू को मुझे चैन से मिलने जाना ही पड़ता है। देन नेक्स्ट सीन में हम शौयू को मुझे चैन के साथ देखते हैं, जहाँ मुझे चैन शौयू से कहता है कि फाइनली अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं फिर से आंशांग को पटाने की मनाने की कोशिश करूंगा। जिससे सुनकर हमारा शौयू वॉज लाइक, वैसे तुझे ये अचानक से क्या हो गया कि तू हमारे भाभी जी को फिर से मनाने की कोशिश करेगा? क्या उन्हें कोई दूसरा लड़का परेशान कर रहा है? जिसे सुनकर हमारा मोजे चैन वॉज लाइक, मुंह बंद कर। बट यार, क्या आंशांग अभी भी मुझसे उतना ही ज्यादा प्यार करती है जितना पहले करती थी, और पहले मुझसे प्यार करती भी थी या फिर नहीं? जिसे सुनकर हमारा शौयू कहता है कि अरे भाई, बिल्कुल करती थी। मोजे चैन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी भाभी यानी कि मेरी आंशांग मुझे नहीं बल्कि पहले वाले मोजे चैन को लाइक करती है। और तभी हमारे मिस्टर मजनू के दिमाग में एक आइडिया आता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 21 यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो अभी आगे के नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं ना, वो इतना ज्यादा फनी है कि आप तो हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। इन शॉर्ट, आप ये कह सकते हो कि ये ड्रामा एंडिंग में इतना ज्यादा फनी है जितना ये स्टार्टिंग में भी नहीं था। और आपको ये तो पता ही है कि स्टार्टिंग में ये ड्रामा कितना ज्यादा फनी था, तो फिर आप इस हिसाब से गेस कर सकते हो कि एंडिंग में कितना ज्यादा फनी होने वाला है। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल एपिसोड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।